इस वीडियो अपडेट में आप देखेंगे पटना रेलवे जंक्शन से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यह वीडियो तब का है जब यहां पर 12 सितंबर से 80 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। 6 महीने बाद पटना रेलवे स्टेशन किस तरह दिखता है और यहां पर ट्रेन आने से पहले और ट्रेन प्रस्थान करने के बाद कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है वो भी आपको दिखाएंगे। और आपके स्क्रीन पर पटना रेलवे जंक्शन का यह पूरा नज़ारा दिख रहा होगा। हमारे कैमरामैन ने ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ आप ही के लिए कैद किया और हमने जो सफ़र तय किया पटना रेलवे स्टेशन तक का, यहाँ पर आपको वो सारी सुविधाएँ और वो इस रूट होकर चलने वाली कुछ ट्रेनों की लिस्ट के साथ साथ उस ट्रेनों की आवागमन और प्रस्थान की भी वीडियो दिखाई पड़ेगी। आप ये फिलहाल पटना रेलवे स्टेशन देख रहे हैं अपने स्क्रीन में। ये हमारा कैमरामैन रात का सीन रिकॉर्ड किए हुए हैं और इस स्टेशन के परिसर में भी हम लोग जाएंगे, लेकिन आप पूरा पटना रेलवे स्टेशन की बाहर की व्यवस्था देख सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करना ना भूलें। पटना रेलवे जंक्शन पर आप लाइटिंग और ये तमाम सुविधाएं दे सकते हैं, जहां पर कि पार्किंग और अन्य सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन यहां पर उतना नज़र नहीं आ रहा, लेकिन स्टेशन परिसर में क्या रहेगी व्यवस्था वो भी आपको दिखाएंगे आगे वीडियो में। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर। आप यहां पर देख सकते हैं कि इंट्रेंस के लिए यहां पर बकायदा सिक्योरिटी जांच और सभी तरह के नियमों का पालन किया जा रहा है। यहां पर तय दूरी के लिए ब्लॉक तैयार किया गया है और यहां पर एक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे भी खड़ी है। ये पूरा स्टेशन परिसर का नज़ारा आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। यहां पर कुछ यात्री अपनी ट्रेन की वेटिंग कर रहे हैं। और ये ट्रेन खुल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। यह ट्रेन पटना से हावड़ा के बीच चलने वाली ट्रेन है जो कि यहाँ से रवाना हो चुकी है और अपने वीडियो स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म परिसर के फ्लोर पर भी कुछ मार्क्स दिख रहे होंगे और ये 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये बेहतरीन नज़ारा पटना जंक्शन का। लॉकडाउन से पहले इतना सन्नाटा कभी नहीं रहता था और यहाँ पर बिल्कुल यात्रियों की भीड़ नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन की जो व्यवस्था है और रेलवे की जो व्यवस्था है वो सिर्फ कंफर्म टिकट वाले ही सफ़र कर सकते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत भीड़ कम नज़र आ रही होगी। ये आप बेहतरीन नज़ारा ऊपर के ओवरब्रिज से देख सकते हैं और यहाँ पर पूरा स्टेशन परिसर के साथ साथ सभी प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा होगा। आपके स्क्रीन पर एक जनशताब्दी ट्रेन के साथ साथ एक LHB रैक वाली ट्रेन भी लगी हुई है। ये पटना रांची जनशताब्दी ट्रेन है। इस ट्रेन का परिचालन थोड़ी देर में यहां से होगा और फिलहाल ये ट्रेन यहां पर वेट कर रही है।
आप देख सकते हैं कि इस ट्रेन में यात्रियों की लंबी भीड़ नहीं दिखाई पड़ रही होगी, क्योंकि कंफर्म सीट वाले सफर कर रहे हैं, तो इसलिए पहले जैसा भीड़ तो आपको नजर नहीं आएगा। ये ट्रेन खुल चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आरपीएफ की मदद से यात्रियों को ट्रेन में बैठाया जा रहा है। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़े हैं और दूर आपको एक ट्रेन की आवाज और लाइटिंग दिखाई पड़ रही होगी। यह ट्रेन है विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि आनंद विहार से पहली बार चलकर पटना रेलवे स्टेशन को पहुंची। यहां से यह ट्रेन 6:35 पर खुलेगी सुबह में, और इसका भी अलग से आपको वीडियो हम अपलोड कर देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। अगला जो ब्लॉक होगा वो मालदा डिवीजन के अंतर्गत पड़ने वाले स्टेशनों पर होगा। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है विक्रमशिला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यह सुबह का नजारा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्रेन में सफर करने वाले अधिकतर विद्यार्थी ही हैं, और पटना से भागलपुर और भागलपुर से पटना के बीच सफर करने वाले अधिकतर विद्यार्थी का ही कंफर्म टिकट हुआ था, और लंबी दूरी तय करने वालों में से आनंद विहार से भागलपुर के बीच सफर करने वाले कामगारों का भी टिकट कंफर्म किया गया था। आप पूरा ट्रेन देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सफाई एवं रखरखाव किया गया है। ये संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, जो कि ठीक विक्रमशिला एक्सप्रेस आने के बाद आई। या आप थोड़ा देर पहले देखे होंगे कि टिकट कलेक्टर और टीटी जांच करने के लिए अपना पूरा डायरी लेके जा रहे हैं। ये सभी कंफर्म सीट वाले को चेक करेंगे और देखेंगे कि कोई विदाउट टिकट तो नहीं है, और निगरानी के लिए यहाँ पर आरपीएफ और अन्य जवान तैनात हैं। ये हमारी ट्रेन खुल चुकी है पटना जंक्शन से, और हम लोग चल पड़े भागलपुर की ओर। आप देख सकते हैं पूरा स्टेशन परिसर, बिल्कुल भी यहाँ भीड़ नहीं है। इस स्टेशन पर इतना सन्नाटा इसलिए भी है क्योंकि कोरोना संक्रमण इतना बढ़ चुका है कि यात्री सफर करने से भी डरते हैं, और केवल वही लोग सफर करते हैं जिनको जरूरत है। बिल्कुल खाली सन्नाटा स्टेशन आप हमारे स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें के माध्यम से देख रहे हैं। ऐसा तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और परीक्षा के टाइम में तो और भी नहीं देखे होंगे। आपको पता होगा कि 12 सितंबर, 13 सितंबर और तमाम तारीखों में एग्जाम स्पेशल ट्रेन और एग्जाम होने जा रही थी, जिसको लेकर के रेलवे की पूरी तैयारी थी, लेकिन यहाँ पर उतना खास भीड़ दिखाई नहीं पड़ा। और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ने ही वाली है। हम लोग फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो अपडेट में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला जो ब्लॉग होगा वो मालदा डिवीजन और अन्य रेलवे स्टेशन के ऊपर ही होगा। यह रेलवे स्टेशन काफी ज्यादा खाली है, बल्कि यही नहीं
बिहार के और तमाम रेलवे स्टेशन पर आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती होगी। ये हमारी ट्रेन खुल चुकी है और प्लेटफॉर्म को छोड़ चुकी है। ये आप बेहतरीन नजारा देख सकते हैं और हमारे कैमरामैन की मदद से ये बेहतरीन तस्वीरें ली गई है। तो ये था आज का अपडेट। और भी नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।